यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी गठबंधन को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अखिलेश यादव की पार्टी तो चुनाव हार ही गई, इसके साथ ही चुनाव से पहले दल बदल कर सपा में शामिल हुए नेताओं और पार्टियों की जमानत भी जब्त हो गई। चुनाव से पहले सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर की चर्चा पूरे चुनाव के दौरान रही, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो मौर्य की बुरी हार हुई। वहीं राजभर के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। अब बीजेपी की जीत को लेकर सुभाषपा के नेता ओपी राजभर ने यू टर्न लेते हुए बड़ा बयान दिया। राजभर को मोदी और योगी की ताकत का अंदाजा पहले ही हो गया था, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र अब किया है। दरअसल यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत पर ओपी राजभर ने कहा कि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि सपा गठबंधन चुनाव हार रहा है, जबकि नतीजों से पहले तक वो दावा कर रहे थे कि इस बार सपा गठबंधन की जीत होगी। बता दें कि राजभर से एक इंटरव्यू के दौरान जब सवाल किया गया कि आप योगी जी से भीख मंगवाने की बात कर रहे थे, इस पर राजभर ने घुमा फिरा कर बयान देते हुए कहा कि चुनाव से पहले बहुत से बयान दिए जाते हैं। इसके साथ ही ओपी राजभर का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी को हराने में मायावती का रोल रहा है। उनके मुताबिक बीजेपी को जिताने के लिए मायावती खुद चुनाव हार गईं। बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए राजभर ने आगे कहा कि बीएसपी के प्रत्याशियों की लिस्ट गृह मंत्री अमित शाह के घर में तैयार की जाती थी और फिर उन्हें सिंबल बीएसपी के कार्यालय में मिलता था। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बनारस की गली गली में वोट मांग रहे हैं और जिलेवार रैली कर रहे हैं। क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसे दिखाकर वोट मांग सके? राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी से मांग कर दी कि प्रधानमंत्री को यूपी का सीएम भी बना देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को इनकार किया है कि वो बीजेपी में फिर से शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि वो दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि ओपी राजभर यूपी की पूर्व बीजेपी सरकार में मंत्री थे, हालांकि बीच में ही उन्होंने सरकार से अलग होने का फैसला किया और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन इससे राजभर को फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हो गया। लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें तो पहले चरण के बाद ही आभास हो गया था कि सपा गठबंधन चुनाव हार रहा है। वहीं पीएम मोदी द्वारा प्रचार किए जाने से भी उन्हें दिक्कत है। दरअसल यूपी समेत चार राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के पीछे पीएम मोदी की जादुई छवि को माना जा रहा है। ऐसे में राजभर को पीएम मोदी का प्रचार करना चुभ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।